देखिए, अगर आपसे कोई उम्मीद भी लगा रहे ना किसी भी चीज़ की, तो जाहिर सी बात है आप उसके लायक हैं। एक मालिक अपने गधे के कंधे पर बोझ क्यों डालता है? उसको पता है कि वो उस बोझे को ढो लेगा। वैसे ही क्या है, मैं यहाँ कंपैरिजन किसी की नहीं कर रहा हूँ, साफ सीधी बात है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, अगर आप पैसा कमाने लग जाते हैं ना, तो कई लोगों के मन में ये आता है ना कि यार मेरे घर वाले तो बिल्कुल डिपेंड हो गए मेरे ऊपर, छोटी छोटी चीज़ें लाने के लिए भी पैसा मांगते हैं मेरे से। अच्छा एक बात बताओ, आप लायक हो जभी तो आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं ना। बहन ने आपसे कोई चीज़ मंगवाई है, छोटा भाई है आपसे कोई चीज़ मंगवाई है, माता पिता है घर में आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो घबराना क्यों? ये कभी मत आने देना आप अपने मन में कि भाई मैं ही क्यों करूँ सारी चीज़ें। 18 साल तक, 22 साल तक जिन माँ बाप ने आपको बैठा के खिलाया, जिन माँ बाप ने आपकी सेवा करी, जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, अगर वो आज किसी चीज़ की मांग रख रहे हैं तो तुम घमंड करने लग जा रहे हो इस चीज़ के लिए कि नहीं मैं क्यों करूँ ये बहुत गलत है। आप लायक हो जभी आपसे ये सारी बातें रखी जा रही हैं, वरना नालायक से कौन बोलेगा। तो कभी ये चीज़ मत सोचना कि हाँ मेरे से ही सारे लोग उम्मीद लगा रहे हैं। अरे भाई आपसे ही उम्मीद लगाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो गलत चीज़ें मन में मत आने देना, लगे रहो, सफलता आपके पीछे भागेगी, देख लेना फिर। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेरा प्यार आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।